अमरावती शहरात अपघाताची मालिका सुरूच आहे। अमरावती शहरात दिवसेंदिवस अपघाताचं प्रमाण वाढत आहे। 2 दिवसाअगोदरच अमरावतीच्या बियाणी चौकामध्ये ट्रकने दुचाकीला धडक दिली, यात महिला पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाली आहे। त्यामुळे बेशिस्त वाहतुकीचं उदाहरण या अपघातामुळे पुढे आलंय। तर आज अमरावती शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक कार आणि दुचाकीचा अपघात झाला। यात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाल्यानं त्याला तातडीनं जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आलंय। या परिसरात पोलिसांचे काहीच नियंत्रण नसून हा वर्दळीचा परिसर असून ही खूप निंदनीय बाब आहे, अशी चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। और कलेक्टर ऑफिस के पास में मैं खड़ा हुआ था, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, और एक्सीडेंट होने के बाद में जो है तो वो एक ऑटो के अंदर घुस गया, और वहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि जिसकी कोई याद नहीं, मगर कोई भी कर्मचारी वहाँ पे पुलिस का कर्मचारी मौजूद नहीं है। इतने ट्रैफिक की वजह से, इतना ट्रैफिक रहने की वजह से आज से 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। मैंने इंसानियत के नाते से इस व्यक्ति को यहाँ पर एरोन हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ और यहाँ पर उसका इलाज चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, बातमीपत्र।